हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है खड़िया जनजाति। इससे पहले मैं झारखंड के तमाम जनजातियों से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ, जैसे कि संथाल जनजाति हो गया, उरांव हो गया, खेरवार हो गया, हो गया, मुंडा हो गया। इन सभी जनजातियों पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ और आप लोग भी देखे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है खड़िया जनजाति। झारखंड में भी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं फ्रेंड्स, जैसे झारखंड सीजीएल हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, दरोगा हो गया, एलडीसी हो गया, टीचर्स का एग्ज़ाम हो गया, टीजीटी, पीजीटी, 11th जेपीएससी हो गया। अभी तमाम झारखंड में एग्ज़ाम होने वाले हैं फ्रेंड्स। सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए मैं हर दिन वीडियो लेकर आ रही हूँ। और मेरे टेलीग्राम पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। मेरे टेलीग्राम पर जेएसएससी सीजीएल का फुल सिलेबस अपलोडेड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एलडीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूर्वालोकन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है। ये तमाम पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर है फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरे पीडीएफ टेलीग्राम को ज्वाइन करके फ्री में पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए, और खड़िया जनजाति को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ताकि इस वीडियो में ही आपको याद हो जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति, इसका हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति के युवा गृह को क्या बोला जाता है? खड़िया जनजाति के युवा गृह को क्या बोला जाता है? फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि झारखंड के तमाम जो जनजाति हैं सबके अपने अपने युवा गृह हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताई थी कि खड़िया जनजाति, चाहे जो भी झारखंड के 3200 जनजाति में सबके अपने अपने युवा गृह हैं, उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इससे क्वेश्चन एक दो एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से रेंडमली उठा के दे देता है फ्रेंड्स। तो इसको ध्यान में रखिएगा। युवा गृह, खड़िया जनजाति के युवा गृह को क्या बोला जाता है? तो गीतियों बोला जाता है। खड़िया जनजाति के युवा गृह को क्या बोला जाता है? तो गीतियों बोला जाता है। ग्राम प्रधान क्या होता है? खड़िया जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? तो महतो बोलते हैं। खड़िया जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? तो महतो बोलते हैं। ग्राम प्रधान का सहायक होता है नेगी। ग्राम प्रधान का सहायक होता है नेगी। संदेशवाहक का काम कौन करता है? तो खड़िया जनजाति में संदेशवाहक का काम कौन करता है? तो गेडा। संदेशवाहक का काम गेडा। जातीय पंचायत क्या बोलते हैं? तो धीरा बोला जाता है। खड़िया जनजाति के जातीय पंचायत को क्या बोला जाता है? तो धीरा बोला जाता है। जातीय पंचायत का प्रमुख, खड़िया जनजाति में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, खड़िया जनजाति के जातीय पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो दंदिया कहा जाता है। दंदिया, जातीय पंचायत के प्रमुख, खड़िया जनजाति के जातीय पंचायत के प्रमुख को दंदिया कहा जाता है। खड़िया, खड़खड़िया, खड़खड़िया पालकी ढोने के कारण इस जनजाति का नाम जो है वो खड़िया पड़ा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि खड़खड़िया पालकी, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि खड़िया जनजाति का नाम कैसे पड़ा। कारण उसमें बहुत सारे लिख देंगे, उसमें ये भी कारण लिखा होगा खड़खड़िया पालकी ढोने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा, या फिर बहुत सारे ऑप्शन देंगे और उसमें आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया जाएगा आयोग के तरफ से, कि ऐसा क्वेश्चन सेट किया जाएगा कि स्टूडेंट फंस जाए। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम में सिर्फ पालकी ढोने के कारण लिखा हुआ रहेगा कि पालकी ढोने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा। यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से संबंधित है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि खड़िया जनजाति का समूह किससे संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड हो जाएगा, एस्ट्रोएशियाटिक हो जाएगा, और बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, इनमें से एक भी नहीं, एक से अधिक इस टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि खड़िया जो जनजाति है, इसका संबंध जो है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से संबंधित है। झारखंड में इनका मुख्य निवास कहाँ है? ये ऐसे पूछा जा रहा है इसमें कि जो खड़िया जो जनजाति है, मुख्य निवास स्थान कहाँ है? तो गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, रांची हो गया, लातेहार हो गया, सिंहभूम हो गया, हजारीबाग। मतलब खड़िया जनजाति कहाँ निवास करते हैं? एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि खड़िया जनजाति का मुख्य निवास स्थान कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखिए होगा गुमला, सिमडेगा, रांची, लातेहार, सिंहभूम और हजारीबाग में खड़िया जनजाति निवास करता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। इस जनजाति में
फागु पर्व के द्वारा इनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है। देखिए, खड़िया जनजाति का एक मुख्य पर्व है फागु पर्व, और ये पर्व के द्वारा ही आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है खड़िया जनजाति, मतलब फिनेंशियल स्थिति देखा जाता है फागु पर्व के द्वारा कि इसमें फिनेंशियल कंडीशन कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसा है, फागु पर्व के द्वारा ही पता चलता है। इस जनजाति में धर्म व जादूगरी का विशेष महत्व है। इस जनजाति मतलब खड़िया जनजाति में धर्म व जादूगरी का विशेष महत्व रखता है। इस जनजाति का धार्मिक प्रधान जो होता है वो कार्लो या पाहन कहलाता है, कार्लो या पाहन कहलाता है। इस जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को रिंगिंग बेरी या धर्मराज कहते हैं। ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट को, रिंगिंग बेरी मतलब भगवान को क्या क्या कहते हैं। रिंगिंग बेरी ऑप्शन दे देगा, धर्मराज दे देगा, एक या दो देगा, या फिर देगा एक से अधिक। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को रिंगिंग बेरी या फिर धर्मराज कहते हैं। इनके प्रमुख देवता जो हैं वो बेला भगवान या ठाकुर है, जो सूर्य का प्रतिरूप है। इनके प्रमुख देवता बेला भगवान या ठाकुर है, जो सूर्य का प्रतिरूप माना जाता है। फ्रेंड्स, खड़िया जनजाति से रिलेटेड तमाम जो एक एक पॉइंट था मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, वही टॉपिक्स वही पॉइंट्स लेकर आई हूँ जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे, मेरे टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मेरे टेलीग्राम से मिलने वाला है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा उसमें नए नए चीज़ों के बारे में बताती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, सीजीएल हो गया, या फिर अन्य चीज़ें हो गया, मैं अपने टेलीग्राम पर रखी हूँ। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, साथ ही साथ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स, और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।